वेलकम टू वानिक स्मार्ट क्लास। आज जो सेशन अच्छी से नोटिफिकेशन सेशन तुम कह सर कौन नोटिफिकेशन सेशन तो नोटिफिकेशन आसी जाइछि तुम मानों पई पंचायत राज विभाग रो आसी जाइछि बा पंचायत राज डिपार्टमेंट रो तुम कहि परबो जोटि की दीटा डिस्ट्रिक्ट पई आसीछि गोटे होची कोरापुट पई आ गोटे तुमर आसीछि गंजाम पई। जेटे आमे गंजाम को नेकी जीवा तो नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी केते 375 आउ जेदे आमे कोरापुट को नेकी जीवा तो नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी तम पाकर केते देखिनो तो 167 अच्छी। तो बट एटा कहा पई आसी छी जेदे आमे देखियो तो ग्राम रोजगार जोटा अच्छी सेवक पई आसी छी ए पोस्ट टा बा वैकेंसी जोटा तमे कहि परिबो। तो मु बार बार रिपीट करू छी कोरापुट रे अच्छी 167 आ गंजाम रे अच्छी सब हाईएस्ट पोस्ट अच्छे गंजाम रे जोटा कि अच्छी 375। क्लियर एटा बहुत बड़ गोटे अपॉर्चुनिटी कारण एत नंबर ऑफ वैकेंसी जदि अच्छी तो ताको अप्लाई करबा आउ ताको कन्वर्ट करबा जॉब। क्लियर तो एबे मेजर पॉइंट होची कि जदि नोटिफिकेशन जदि अच्छी तार किछि क्राइटेरिया थबे तो आमे वन बाय वन क्राइटेरिया टिके डिस्कशन कर दो तापरे तांकर साइड को जाई कि तमे जो डिटेल्स अछि तमे ताको भी चेक करि परियो बट जोडा मोर मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट मु से गुडा डिस्कस करे दउ छी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जोडा रहिला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट गुडा जोडा तमरो रहिला सोडा तो फर्स्ट रहिला देखिनो तो तमर एप्लीकेशन डेट जो रहिला जो स्टार्टिंग जो डेट ता रहिला सेटा तमर रहिला केते 16 अगस्त 2024 नै कि 17 सेप्टेम्बर 2024 जा रहिला यार अन तमे एतिक भितरे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप तमे सब जिनसा करि पाइबे। क्लियर ताप जदि सेकंड पॉइंट को जदि आमे जीवा त सेकंड पॉइंट एठी रहि जे तमर कहार केतेडा वैकेंसी अछंती जदि जनरल को जदि देखिबा ता भितर 100 3 रु 32 अछंती वुमेन करि जदि एससीबीसी देखि 18 टा रु 6 टा अछंती एसटी जदि देखा 30 टा रु 9 टा अछंती आईसी एसटी को जदि देखा 16 वुमेन एठी नाहंती और टोटल हला 167 देन 47 करके आसी। जदि एक्स सर्विसमैन जदि देखिबा हमें सही अनुसार अछंती स्पोर्ट्स पर्सन दुई जना माने दीटा पई अछि एक्स सर्विसमैन गोटे पीडब्ल्यूडी पई एकटे दीटा अछि परे दीटा अछि त एटा होची रहि छै त एबडा नंबर ऑफ वैकेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट जो रहिला तम डिस्ट्रिक्ट रे भी से सब बाहर गेल जेमति कि गंजाम रे अछि केते 375 उति रहि छै मुखल जस्ट गोटे रही तमको देखौ छी। क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो जदि जेबा त देखने एटा तो फिक्स द जो फॉर्म फिल अप स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दैट विल बी फिक्स तो सब ये पाई जदि हमें नहीं जीवा तो नंबर ऑफ पोस्ट जोड़ा रहला सेटा वेरी करिवो फॉर द डिस्ट्रिक्ट पाई जो तो वेरी करिवो पर जोटा क्वालिफिकेशन रहला सेटा भी समस्त पाई फिक्स ही रहबो कि 10th और प्लस 2 से मागुची आ जोटा हेतेबार अछि सीएच एससी रो हेतेबार अछि ओडिसा रो देन तापरटा जोटा रहला ता कया कथा कि ओडिया लैंग्वेज गोटे दरकार कोनोसी भी गोटे जगह रे सब्जेक्ट रे तुमको ओडिया जानितबार अछि तो मिडिल स्कूल एग्जाम हे थाओ बा ओडिया मीडियम जो एग्जाम दे थाओ ता दर भी पर बा क्लास बी डबल आई रे भी पर बा और एबव रे भी तमो गोटे ओडिया सब्जेक्ट लैंग्वेज दरकार अछि। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हला जो कंप्यूटर जोटा दे छि सेटा होछि ओ लेवल सर्टिफिकेट से गोटे मांगु छि ओ लेवल सर्टिफिकेट गोटे मांगु छि ता पर आउरी सबटा इंपोर्टेंट पॉइंट होछि एटी लिखि छि से कि ओडिया पढ़ी पारुथबार अछि आ लिखि पारुथबार अछि से जिनसटा को तो एटा दैछ ओ लेवल सर्टिफिकेट भी गोटे से मागुची कंप्यूटर जो ये पाई क्वालिफिकेशन रो देन ता देर जदि नबा को को पिला एठी अप्लाई करि परियो देखिनो तो जो जो देखछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटा तुमको ओ लेवल सर्टिफिकेट नबार अछि बा तमर एटो सर्टिफिकेट हेथिबार अछि या जदि जदि नबे बा जदि अदर जदि आमे देबा हायर कंप्यूटर जदि एजुकेशन अछि जिमति कि लाइक बीसीए पीजीडीसीए एमसीए बीटेक बीटेक बा आईटर कंप्यूटर साइंस से मागु जदि या उपरे भी जदि अछि जदि ओ लेवल नाइ देन तमे भी अप्लाई करि पारिबो। क्लियर तो एठी अपॉर्चुनिटी का का मानो पई रहउछि नॉर्मल जनरल पिलांग सहित माने जो माने नॉर्मल ग्रेजुएशन सारी के जदि ओ लेवल सर्टिफिकेट अछि से माने भी कहि पारिबे 10th प्लस टू वाला भी जदि ओ लेवल सर्टिफिकेट अछि से माने भी अप्लाई करिबे बीसीए पीजीटीसीए एमसीए वाला भी अप्लाई भी करि पारिबे से करबा कथा। क्लियर द नेक्स्ट जो फाइनल जदि आमे जिबा सेठ एज लिमिट ऊपर जीवा एज लिमिट देखी देखा आम से नहीं 1 अगस्त 2024 को लेकिन से देखिए 18 वर्ष रु अधिक अच्छी 18 वर्ष रु अधिक अच्छी 40 वर्ष रु कम होबार अच्छी। तो यही गुड़ा है सब मेन मेन इंपोर्टेंट पॉइंट ये जो नोटिफिकेशन तुम आसी
କଣ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ଆସିଛି ଯୋଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରୋଜଗାର ସେବକ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ସେ ଲାଗିଛି, ଆହୁରି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ତମେ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ କୁ ଯାଇକି ତାର PDF ଡାଉନଲୋଡ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଜିନିଷ ପଢିପାରିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେତିକି କହିଲି। ହଁ, ଇଭେନ୍ ସେଠି ସାଲେରୀ ବି ମେନସନ ହେଇଛି, ତମେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିପାରିବ। ସାଲେରୀ ମୁଁ ଏଠି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ କରଉନି, ତମେ PDF ରେ ଯାଇକି ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି କି କୋରାପୁଟରେ କେତେଟା ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ କେତେଟା ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଟା କୋଉଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଟାଇମ୍, ଯୋଉଟା ସେ ଡେଟ୍ କୁହାହେଲା। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କୁହାହେଲା, କଣ କଣ ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ୍ୟାରି କରିବାର ଅଛି ବା କଣ କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର ସେ କୁହାହେଲା। ତାପରେ କୁହାହେଲା କି ତମର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ହେଇଥିବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବି ତମକୁ କୁହାହେଲା, ଆଉ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସି କୋଉଠି କେତେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବି କୁହାହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର ସେସନ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ତମର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ବା ଏ ଜବ୍ ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ତମେ ଯଦି ଏଲିଜିବିଲିଟି ହଉଛ ବା ଏଲିଜିବିଲ ଯଦି ହଉଛ ତେନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହିଁ ଇଏ, କାରଣ ଘର ପାଖରେ ରହିବେ, ବହୁତ ହିଁ କିଛି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସେସନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।